तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को तो तुम देखोगे तो ये बेसिकली ये एक ऐसा सवाल है कि अगर देखोगे तो फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो 5 + 3 y² है। एक टन है पार्टिकल इन वाई एक्सिस, एफ ए न्यूटन, वाई इन मीटर, द वर्क टन डिस्प्लेस वाई से 2 से 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा। तो अगर तुम देखोगे तो इसका जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का डॉट, और ये y1 से y2, ठीक है ना, ये भाई वेरिएबल के केस में यही लगाते हैं। तो यहाँ y1 की वैल्यू 2 है, 2 से 5, और फोर्स की वैल्यू है 5 + 3y² और ये डिस्प्लेसमेंट dy। तो यहाँ से तुम बात करोगे तो 5dy और +3y²dy, और ये लिमिट गया अपना 2 से 5, और ये आ जाएगा 2 से 5, ठीक है। तो फाइनली तुम इसको देखोगे तो ये बनेगा 5y और ये बनेगा 3y³/3, और ये जाएगा लिमिट 2 से 5 पूरा। तो फाइनली जो वर्क डन आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा भाई कैलकुलेट कर लो, 5 की वैल्यू रख दो तो 25, और +2 की पावर 8, 20, सबसे पहले मैं ये 125 की क्यू माइनस 2 की लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा 10 + 8, ठीक है। आ रहा समझ में? नहीं आया? देखो यहाँ से मैंने 5 की पूरी लिमिट डाल दी, तो 5 25 और 5 125, 2 की लिमिट डाल दो तो 10 और 2 का स्क्वायर 8, तो यह आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 150 और माइनस 18, तो 150 - 18, तो यह आ जाएगा 138 जूल। तो 132 जूल, तो फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा 132 जूल, दिस इज द वर्क डन। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ 132 आएगा।